भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई है। हम इस बात को कैसे भूल जाएं जी कि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ जी, और एक बार फिर से भाजपा के लोग हमारे विरोधी हो गए हैं, फिर तुम सरकार गिरा रहे हो जी, कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को दूध की मक्खी की तरह ऐसे निकाल के फेंक दिया है और वही दूध पीने के लिए कह रहे हैं, सामने दूध की मक्खी निकाले और सामने निकाल करके कह रहे हैं नहीं यही दूध तुमको पीना होगा जी, और भारतीय जनता पार्टी कटोरा लेकर के पीने के लिए तैयार। जो कांट का पेड़ बोया है ना जी, वो हो सकता है कि कभी उसे भी समस्या में ला दे। ये जो सरकार बनी है उसका फायदा जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, पशुपति कुमार पारस को क्या मिलेगा जी, चिराग पासवान को क्या मिलेगा जी, और मुकेश सहनी को क्या मिलेगा, इन पांच लोगों को क्या मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए बिहार की राजनीति को काफी करीब से हम आपको समझा रहे हैं बाबा, लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से और हमारे संपादक पंचनामा के माध्यम से बिहार की राजनीति को पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बदली हुई परिस्थिति, बिहार में सरकार तो बदल गई लेकिन आप देखिए कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के पार्ट थे, इंडिया गठबंधन भी असहज था, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। नीतीश कुमार के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही थी, हालांकि नीतीश कुमार ने भरे मंच से कई बार कांग्रेस को टारगेट किया, उसके बाद जदयू के तमाम नेता चाहे केसी त्यागी हो चाहे तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोग जो है टारगेट कर रहे थे कांग्रेस को। अब बात ये उठ रही है कि आखिर जब पूरी तरह से असहजता थी तो उस असहजता की स्थिति में नीतीश कुमार उस पाले को बदल कर फिर इस पाले में क्यों आ गए, क्योंकि इस पाले से भी लगातार नीतीश कुमार को अंडबंड बोला जा रहा था, उल्टा सीधा बोला जा रहा था। तमाम आपने देखा कि दो जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से वो भी लगातार हमलावर थे नीतीश कुमार पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी चीजें थी, वो कौन सी शर्तें थी, वो कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों के आधार पर, जिन शर्तों के आधार पर और उन राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से निकालकर एनडीए गठबंधन में लाया गया। आज का देखिए खेल समझिए बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि बाबा के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं और कुछ ऐसे अपडेट हैं जिसके माध्यम से आपको बाबा बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से रिजेक्टेड नीतीश को एनडीए में बुलाने के रहस्य से उठ गया पर्दा। आखिर क्या था बड़ी वजह, क्यों रिजेक्टेड माल को एनडीए में लाया गया। सीधे चलते हैं बाबा के पास और आज का देखिए अंतिम तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर इन डेटाओं के माध्यम से, इन जो मुद्दे हैं बाबा के पास उसके माध्यम से क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है, और नीतीश कुमार जब उधर रिजेक्ट थे तो इधर आखिर कैसे आके फिट हो गए। बाबा आईना है जी, दाग दिखा देगा जी, आईना है दाग दिखा देगा जी, राजनीति थोड़े है हाँ। जो दाग छुपा देगा। वाह 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 वाह, देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग वो आईना है जी, जो चीजों को सामने ले आकर के आते हैं जी। बिल्कुल बाबा, आप भरोसा करें ना करें जी, हम अपना काम उसी तरह से करते रहते हैं बिल्कुल, और हम किसी पार्टी के सपोर्टर या समर्थक भी नहीं। आज जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों में हमारे जो विरोधी हैं उनका चेहरा बदल गया है जी। कल तक हमारे विरोधी राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे जी, गालियां दिया करते थे जी, कहते थे कि रोज तुम सरकारें गिराते हो जी, आज सरकार गिर गई है जी, अब वो हमारे समर्थक हो गए हैं जी, और एक बार फिर से भाजपा के लोग हमारे विरोधी हो गए हैं, फिर तुम सरकार गिरा रहे हो जी। भैया हम सरकार गिरा नहीं रहे हैं बिल्कुल नहीं, हम वो तथ्य बता रहे हैं जिस तथ्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई है। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम इस बात को कैसे भूल जाएं जी कि अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ जी। हम इस बात को कैसे भूल जाएं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को दूध की मक्खी की तरह ऐसे निकाल के फेंक दिया है और वही दूध पीने के लिए कह रहे हैं जी, सामने दूध की मक्खी निकाले और सामने निकाल करके कह रहे हैं नहीं यही दूध तुमको पीना होगा जी, और भारतीय जनता पार्टी कटोरा लेकर के पीने के लिए तैयार जी। इन सारी बातों को लेकर के आज पांच छह ऐसे मुद्दे हैं जी जी, जिन मुद्दों की मैं चर्चा करूंगा तो हो सकता है कि आप सभी भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखें, वरना मेरी कमेंट्री तो ऐसे ही जारी रहेगी जी, क्योंकि मेरी कमेंट्री
मैंने पहले बता दिया है, कई ऐसे तथ्य हैं जिनको मैंने बताया है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली कब जा रहे हैं? जब दो उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उस खेमे से हैं, उनके साथ 28 तारीख को शपथ ग्रहण किए थे जी। 3 से 4 बार उनकी मीटिंग नीतीश कुमार से हो गई जी। उस मीटिंग के बाद भी वो मसले नहीं सुलझ पाए जो सुलझाने थे जी। दिल्ली जाना पड़ा जी। दिल्ली तलब किए गए, दिल्ली में अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया और ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उसने जो कांट का पेड़ बोया है ना जी, वो हो सकता है कि कभी उसे भी समस्या में ला दे। भारतीय जनता पार्टी, मैं सागर थोड़ा सा आप अगर वक्त दें या अपनी बातों को समझाने में सक्षम हो जी, तो मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सरकार बनी है जी, लगातार आप कई पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये जो सरकार बनी है उसका फायदा जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, पशुपति कुमार पारस को क्या मिलेगा, चिराग पासवान को क्या मिलेगा और मुकेश सहनी को क्या मिलेगा, इन 5 लोगों को क्या मिलेगा? बाबा, जिस प्रकार की राजनीति बिहार में चल रही है और जिस प्रकार आपका विश्लेषण आता है, हमारे संपादक नव निशा सर का जो विश्लेषण आता है, हम लोग बराबर उसको भी वॉच करते हैं। देखिए बाबा, जो निकल कर सामने आ रहा है जी, जो घटक दल है एनडीए के, जो वर्तमान घटक दल है उसमें पशुपति पारस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी घटक दल है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, मांझी हो, कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है लोगों को। ये लोग नीतीश कुमार के आने की वजह से असहज हो गए। हालांकि ये लोग बुला जरूर रहे थे, लेकिन अब आने के बाद जो है वो सीट शेयरिंग में असहज हो गए हैं ये लोग। बाबा बिल्कुल आपने बहुत ही बारीक बात कही और बहुत बेहतर बात कही। इन लोगों को नीतीश कुमार सत्ता में रहे न रहे, नीतीश कुमार के साथ भाजपा रहे या फिर आरजेडी रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि न तो इनके सदस्य हैं, न इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना है और नहीं तो उल्टा नीतीश कुमार के एनडीए में आने से इन लोगों की परेशानी है। और नीतीश कुमार जब ये लोग महागठबंधन में जाते हैं तो नीतीश कुमार उधर उछल के चल जाते हैं, वहां परेशानी है इन लोगों के लिए। देखिए आप बात समझिएगा, नेताओं को कोई परेशानी नहीं है, नीतीश कुमार के पास लिस्ट रेडी है जी। अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे, संजय झा मंत्री बनेंगे, विजय चौधरी को मंत्री बना दिया गया, विजेंद्र यादव मंत्री बन गए, इसके बाद श्रवण कुमार उनकी जाति से आते हैं मंत्री बन गए, बाकी के कई लोग भी मंत्री बन जाएंगे, वो एकदम मैंने प्री प्लान्ड है, लिस्ट बनी हुई है, बाकी के लोग क्या करेंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है। और जिस जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले ही कार्यकर्ता का, हमको लगता है किसी पार्टी के कार्यकर्ता का फोन आपके पास आया था, मैं चाहूंगा दर्शकों को एक बार जरूर बताएं कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति क्या है। देखिए सीधी सी बात है कि कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि आप तो स्विच कर देते हैं, आप तो अपनी कुर्सी पर लस्सा लगा करके बैठने के लिए आप अपने को चेंज करते हैं, लेकिन आप उस कार्यकर्ताओं की मनोभावना को समझते हैं क्या, जो कल तक लालू प्रसाद को समर्थन बता रहा था, आपने कहा था कि अरे ये लोग के साथ तो बहुत नाजायज हो रहा है, अरे वो सब को जानते नहीं है, वो सब ये सब करता है, आज वही कह रहे हैं आप कि भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जेवे करेंगे, आपके फिर नीरज कुमार का भाव भाषा बदल गया जो हम बार बार कह रहे थे। कार्यकर्ताओं की समस्या ये हो गई है कि वो करे तो क्या करे। एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया था, जैसा कि आपने बताया सुने भी आप जी जी, कि कार्यकर्ता ने सीधे तौर पर कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ना तो नीतीश कुमार और ना ही भाजपा जी, मुझे अब जदयू के तरफ चले आरजेडी के तरफ चले जाना चाहिए। अच्छा, आरजेडी का झोला ढोएंगे तो कम से कम इतना तो होगा कि हम एक ऐसी पार्टी के पास रहेंगे जिसके विधायकों की संख्या ज्यादा है जी। ये बहुत बड़ी बात है और इस बात को लेकर के जो हम मेन बात करने आए हैं वहां से हम भटक ना जाए, इसलिए हम फिर पॉइंट पर आ जाते हैं कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से रिजेक्टेड नीतीश कुमार को आखिर एनडीए में क्यों लिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एनडीए में क्यों लाया और इसका लाने का कारण क्या था, फायदा क्या था जी, जी, इसका सीधा फायदा हमने आपसे पूछा भी था कि उन लोगों को, बाकी के लोगों को क्या फायदा, तो किसी को कोई फायदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा देख रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी ये फायदा दे रही है कि कई सर्वे रिपोर्ट में ये बातें खुल करके आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के इस सर्वे को मैं सीधे से नकार चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधी बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ते, यदि 17 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते जो महागठबंधन में संभव था कि वो लड़ सकते थे, वो 17 सीटों में से एक आध सीट अगर जीत जाते तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि
जो परसेप्शन है बिहार में आम जनता का, वो साफ बता रहा है कि कोई भी MY समीकरण का व्यक्ति नीतीश कुमार को एक भी वोट नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार किस वोट से जीत के जाएंगे? बिल्कुल। नीतीश कुमार के विधायक माफ कीजिए सांसदों को जी। इस बात का भय था जी। कई लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये बात कहा था कि इस गठबंधन में महागठबंधन में रहते हुए हम लोगों का दिन दुनिया खराब हो गया, चुनाव नहीं लड़ेंगे वो मंजूर है, लेकिन इस गठबंधन में नीतीश को नहीं रहने। अच्छा। हमने जो बात कही थी ये हमारे शब्द नहीं थे जी। हमें इनपुट पहले मिल गया था कि नीतीश कुमार पर इतना दबाव है कि वो इस गठबंधन से बाहर जाएंगे, और जब ललन सिंह को उन्होंने दिल्ली में उनका इस्तीफा था फाड़ दिया और यहाँ आकर के ये कह दिया कि ये मत कहिएगा कि इस्तीफा से देने जा रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली, तो ये हम और कंफर्म हो गए थे कि अब नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, क्योंकि ललन सिंह एकमात्र ऐसे शख्स थे जो बार बार ये दबाव बनाकर रखे थे। ललन सिंह एकमात्र नहीं थे, और भी कई लोग थे जो ये दबाव बनाकर रखे हुए थे कि कहां जाइएगा इस गठबंधन से। लेकिन नीतीश कुमार को जब आंकड़ों में समझाया गया तो ये बात वो समझ गए थे। इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि नीतीश कुमार का ये फायदा है कि राम लहर वाला वोट जो है, हिंदुत्व वाला वोट जो है, और जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट है, वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए बड़ी बात बता रहे हैं बाबा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर, RSS का कैडर, और हिंदुत्व के नाव पे जो लोग सवार हैं, डेंगी पे जो लोग सवार हैं, वो हर हाल में डूबे तो डूबे लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए नीतीश कुमार का भी बैतरनी जो है पार करा दें। अब इन सारी बातों में आप समझ लीजिए कि बैतरनी पार लगा देंगे तो ये बाकी के लोग क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता नहीं है कि नीतीश कुमार के उसके साथ जाने का जो घाटा, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका डैमेज कौन भरेगा? बिल्कुल। अगर ये बाकी के लोग निकल करके बाहर चले जाते हैं, चिराग पासवान चले जाते हैं, 5% से ज्यादा इनके समाज का वोट है, बिल्कुल है, क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे? और क्या आपको लगता है कि इनका वोट ट्रांसफर नहीं होगा क्या? बिल्कुल ट्रांसफर होगा, और इनके लोग इस इंतजार में खड़े हैं कि चिराग पासवान, आज ही अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के होड़ में शामिल भी है, बिल्कुल है, उनके लोग एकदम आप समझिए कमर कस के तैयार हैं। आप किसी भी रैली में उनके देख लीजिए, किसी भी कार्यक्रम में आप देख लीजिए, पिछले ही रैली में इतना भीड़ था कि आपका पर्स जिसमें गया था, बिल्कुल इनका पर्स मरा गया था, और कल के रैली में हमारे संपादक नमन मिश्रा जी का चेन मरा गया। मैंने समझिए आप कि क्या स्थिति है, इतनी भीड़ है कि आप सहज नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये भीड़ अगर मान लेते हैं 50% भी अगर वोट में कन्वर्ट हो गया तो कहीं ना कहीं 3-3.5% वोट तो उनको जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतीश को अपने खेमे में लाया है, हम इसलिए रिजेक्टेड उनको कह रहे हैं कि वो NDA में आने से पहले इंडिया गठबंधन के रिजेक्टेड माल हो गए थे, लो दही वाली बात, बिल्कुल। अब बाबा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बीच में थोपूंगा, माफ भी करूंगा, माफ कीजिएगा। देखिए, हम कुछ दिन पहले गांव गए थे जी, और जब गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोगों के फॉरवर्ड जो थे, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, इन लोगों से जब बातचीत हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता है, अगर उसको भारतीय जनता पार्टी या कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करता है तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, चिराग पासवान को लोग काफी गंभीरता से ले रहे हैं बाबा, बाकी नेताओं की तरह छवि नहीं है उनकी, बिल्कुल। अब देखिए कि चिराग पासवान NDA में विधिवत रूप से नहीं रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते नेता, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब मिलते हैं चिराग पासवान से, तो उनके मिलने की शैली क्या होती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जब इंडिया गठबंधन से रिजेक्ट हो गए, इनको कोई संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं था। हम आपको याद दिला दें कि कड़ी जब पहली बार ये लालू प्रसाद के साथ गए थे मिलने के लिए सोनिया गांधी से, तो सोनिया गांधी ने बात तक नहीं किया था, राहुल गांधी ने इनको घर में अंदर नहीं जाने दिया था, गेस्ट रूम में आकर के मिल करके चले गए थे। सोनिया गांधी ने कहा था कि इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी पाला बदल सकते हैं, और ये बात गारंटी दिलवाया था लालू प्रसाद ने। आपको याद होगा, मैं सिलसिलेवार बता दूं कि लालू प्रसाद ने गारंटी दिया था कि मैं हूं ना, तो उन्होंने कहा था कि आप हैं, आपके साथ भी छल करेंगे, आप अगर इतना ही ज्यादा हैं तो आप इनकी पार्टी का अपने पार्टी में विलय करा लीजिए, आप जो कहिएगा सो हम मान लेंगे। अच्छा। लेकिन यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि पार्टी का विलय कराने वाले, बिल्कुल बड़ी ये बातें पहले भी हम कई बार कर चुके,
अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि इन्होंने इनसे सब काम कराया गया, जो लोग नहीं भी एक दूसरे के साथ बैठने वाले थे उनको सबको बैठवा लिया गया, और इनको एक संयोजक बनाने तक की जब बात आई तो इनको रिजेक्टेड माल की तरफ बाहर कर दिया गया। यह है नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। सरकार बना लेना और सरकार के लालच में कुछ भी फैसला ले लेना वो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रह गए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी में के साथ आके सबसे पहला काम जो किया, उन्होंने भेदभाव शुरू कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंत्रिमंडल को लेकर के हमने एक खबर किया था। जी बिल्कुल, खेल समझिए में जी, कल के आपने, आपने देखा होगा कि हमने उस पूरे सिलेबस को आपको पढ़ाने की कोशिश की कि किस तरह से 10 विभाग जो क्रीम वाले हैं वो अपने पास रख रहे हैं जी। किस तरह से जितना भी प्रशासनिक विभाग है अपने पास रख रहे हैं, जबकि इससे पहले वाली सरकार में ये बात नहीं थी। तो यहाँ नीतीश कुमार ने बड़ा भेदभाव किया है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना लालची है सत्ता में रहने बने रहने के लिए। केवल लोकसभा दिख रहा है, बस इतनी लालची है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ने किया भी। तो पहला तो नीतीश कुमार ने उस लालच का फायदा उठाते हुए मंत्रिमंडल अपने हिसाब से सेट किया और मनमानी की मंत्रिमंडल बंटवारे में, तो चाह करके भी सम्राट चौधरी नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि जिस तरह से वित्त विभाग दे करके, वित्त विभाग में क्या कर लेंगे, वो किसका बजट काट देंगे, नीतीश का कोई बजट काट भी देंगे क्या? बाबा सम्राट चौधरी ने कल बयान दिया है सबका फाइल खुलेगा। आप सुन लीजिए ना, फाइल तो हमेशा खुलता है, फाइल तो खुला था 2014 में जी। किसका किसका खुला था याद है ना जी। राहुल गांधी जा रहे थे जेल जी, वाड्रा जा रहे थे जेल, सोनिया गांधी जा रही थी जेल, एक लाइन से सभी लोग जा रहे थे जेल जी। कई आदमी जेल में है, कोई नहीं है। लालू प्रसाद और उनके परिवार का फाइल खुला था 2017 में, तेजस्वी यादव का फाइल खुला था कि कल ही जेल चल जाएंगे जी। ये अभी भी हो रहा है, आज जेल जाएंगे, जब जब सीबीआई ईडी आता है घर में तो होता है जेल जाएंगे जी, जी। चले गए जेल नहीं, नहीं ना गए, केवल ये सिंपल हेमंत सोरेन गए हैं तो वो भी बताया ना, कोई तो जबरदस्ती किसी को ठूस दीजिए ना, हमें को उठाइए ठूस दीजिए, 24 घंटा तो आप डिटेन करके हमको रखिए ना सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के समय में ये भी नहीं कर सकती है। आज अगर हेमंत सोरेन का बहुत दिन से चल रहा था मामला जी, जी, उसमें बहुत ज्यादा झमेला भी नहीं है जी। वहां 14 को मात्र सीट है जी। उस सीट में से सब सीट जीते हुए हैं, ज्यादा आए पाए करेंगे तो पलट देगी सरकार जी। वो अलग बात है जी। लेकिन अब स्थिति जो है वो है 40 सीटों वाले बिहार का जी। तो यहाँ मंत्रिमंडल के बंटवारे में नीतीश कुमार ने मनमानी करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का कितना मुंह है। कुछ नहीं बोले, चूचा भी नहीं किए, मांग रहे थे कि हमको फलना दीजिए टकना दे दीजिए, नहीं कुछ भी नहीं मिला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के आने से भले ही जीतन राम मांझी को आप मंत्री सरकार में आ गए हो, मंत्रिमंडल में आपने शामिल कर लिया हो, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज की रैली में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी जिस तरह से वो रहस्यमय हो गए हैं जी, मात्र 4 विधायकों को लेकर के, आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले बता दिया था कि यही वो देश है, यही लोकतंत्र है जहां एक निर्दलीय भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है जी। और ये बात हमने झारखंड में देख लिया जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें रहस्यमय हम इसलिए मांझी को बता रहे हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मांझी कोई नया बयान न दे, और उनके बयान के साथ साथ और लोग कनेक्ट नहीं है जी। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ आकर के कहीं अगर मांझी खेल कर गए लालू के साथ, तो ये बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो रहा प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल हो जाएगा जी, जी। इसके अलावा कुशवाहा और चिराग, इन दो लोगों की नाराजगी साफ दिख रही है जी, जी। एक तरफ 8 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, कल भी आपने देखा कि किस तरह से सीतामढ़ी में उन्होंने बड़ी विशाल रैली को संबोधित किया, भारी संख्या में लोग आए हुए थे, महा रैली उनकी हुई थी। और ये सीतामढ़ी का सीट किसका है? जदयू का है, निश्चित रूप से जदयू का है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये विवाद का घर शुरू हो चुका है, और इस विवाद से निपटना अब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी, माने नहीं होता है कि गए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, एक बड़ा बढ़िया कहावत है कि पूत मांगे गई नहीं बतारो गवा गई नहीं, स्थिति कहीं ना कहीं और विकट होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और नीतीश कुमार के आने से जहां एक तरफ कुशवाहा काफी नाराज हैं, हालांकि स्वागत उन्होंने किया है, लेकिन अब उन सीधी तौर पे हम मैंने पहले बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी
नीतीश कुमार वाले सीट में से देगी। हो सकता है कि उनको जरूरत महसूस हो तो वो नीतीश कुमार वाले सिंबल पर भी चुनाव लड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि सब कुछ एज यूजुअल हो जाए, ललन सिंह को सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिस तरह से उन्होंने सदन में व्यवहार किया था एक वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के साथ, और जिस तरह से सदन में उन्होंने उंगली दिखा करके होम मिनिस्टर को अमित शाह को जिस तरह से धिराया था, ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड है और इस बात को भूला नहीं जा सकता है। इसके अलावे चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने भी 11 सीटों पर अपना खूंटा गाड़ दिया है, और जैसे ही उन्होंने 11 सीटों पर खूंटा गाड़ा, पहले लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस वाली है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके सांसद उनके यहाँ जा रहे थे। अब जो है जो बचे हुए लोग हैं ना, वो भी उनके यहाँ दरबार लगाने हैं। कल ही हमने एक तस्वीर देखी, हमने खबर भी किया था कि जो महबूब अली कैसर हैं वो जाकर के उनसे बंद कर रहे हैं मुलाकात। तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा दिया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि 11 जो सीट है उसको सुन करके आप दंग रह जाइएगा। दंग इसलिए रह जाइएगा कि इसमें से 6 सीटें तो वही है जो 2014 में और 2019 में वो लड़े थे और जीते थे। अच्छा, इनमें से आप समझिए हाजीपुर है, जमुई है, खगड़िया है, समस्तीपुर है, वैशाली है, नवादा है, और नवादा है, और एक सीट जो है नवादा है, ये सीटें है, 1 2 3 4 5 6 सीटें हैं नवादा तक, 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 5 सीट अभी भी आरएलजेपी के पास है, यानी कि पशुपति कुमार पारस के पास है। उन 5 पे उन्होंने अपना खूंटा ठोक दिया है, अपना जमुई का हाइये है, उसके बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के 4 सीटों पे खूंटा ठोका है। जी, जी, जी। अब नीतीश कुमार जी कैसे फरियाएंगे, फरिया लीजिए। गोपालगंज पे ठोका है, सीतामढ़ी पे ठोका है, वाल्मीकि नगर पे ठोका है, और जहानाबाद पे ठोका है। यहां तक कि जहानाबाद और कई क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार भी तैयार है, और एक सीट बेगूसराय की भारतीय जनता पार्टी है, उस पर भी खूंटा ठोक दिया। अब इसके आगे आप देखिए कि सीट बंटवारे का पेच, ये सब कुछ देख करके आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को रिजेक्टेड माल को अपने यहाँ ले आइएगा तो कहीं ना कहीं वो तो आपका जगह भी छेकेगा और बेचने लायक भी नहीं रहेगा, कहाँ बेचिएगा, और आपको परेशानी का घर बन जाएगा, कहाँ रखे कैसे रखे। आप देखते हैं रिजेक्टेड माल को फेंक दिया ना तो जला दिया जाता है। अब सीट बंटवारे में पेच फंस रहा है, और यहाँ सीट बंटवारे में सबसे बड़ा पेच ये फंस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद अपनी सीटें 17 में से गंवानी पड़ सकती है। अगर सब लोगों को रखिएगा, सबको साथ में लेकर चलना है, तो आपको बंटवाना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी 25 सीट पर लड़ना चाह रही थी, 15 में से बाकी लोगों को बांटना चाह रही थी, अब उसकी स्थिति यह हो गई है कि 17 वो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी वो बड़ा झमेला है, बहुत बड़ा झमेला। बाबा कल एक एमएलसी से, जदयू के एमएलसी है, उनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 20 सीटों पर बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। अब उसमें से कौन किसके वो बात कीजिए, लेकिन 20 जदयू और 20 भाजपा। देखिए मैंने जो खबर किया था जी वही खबर का बेस है जी। मैंने कहा था कि जदयू और भाजपा के बीच में 20-20 सीट बट गया जी। अब जदयू के खेमे में बाकी के लोग जाएंगे जी, और हाँ, और चिराग पासवान संभवतः भाजपा के खाते में रहेंगे, लेकिन अब वो भी संभावना समाप्त हो गई। अच्छा, अब चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार में से ही सीट देना होगा। अच्छा, और क्या नीतीश कुमार ये बर्दाश्त करेंगे? देखो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किल ही खड़ा करेंगे। बिल्कुल मुश्किल खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं पेंच फंस लगा सकते हैं। एक बार फिर से 2020 से भी विकट परिस्थिति सामने आई। बाबा क्या इसीलिए उनको दिल्ली तलब किया गया है? बिल्कुल। अब उसके आगे की कहानी बताते हैं कि कोई भी समझौता अगर नीतीश कुमार के साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का अंडरस्टैंडिंग बना है, तो उस अंडरस्टैंडिंग में एक बात आप मान के चलिए कि ऐसी कई बिंदु है जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता इधर से नहीं जा रहा है जी। वो रास्ता ऐसे घुमा करके ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो सीधा ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे घुमा करके ऐसे आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे बिल्कुल कि नीतीश कुमार अभी भी सीधा नहीं है, अभी भी टेढ़ा उंगली किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ों की जादूगरी में नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है। उनका 45 में से कहां जा रहा है कहीं जी, एकदम उनका 45 का 45 है। बिल्कुल है। भाजपा के पास भी 78 है तो 78 है जी। लेकिन जी। जीतन राम मांझी वाला 4,
और अगर कहीं मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है जिसमें से कई यादव नेता हैं जदयू में जो इस बात से नाराज हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है अच्छा हमारे समाज के नेता को, वो लिस्ट बता दिया नहीं, उस लिस्ट को बताना अभी जरूरी है, अलग से हम आपको सब बताएंगे कि किस जाति के कौन से नेता है, और नाम तो किसी का नहीं बताएंगे लेकिन आपको बता देंगे, लिस्ट है गुप्त लिस्ट बिल्कुल। इसमें से कई ऐसे नेता है जो लगातार इस इंतजार में है कि उनको मंत्री कब बनाया जाएगा। अच्छा, ऐसे कई नेता हैं, कई बार के जीते हुए नेता हैं जो अभी भी नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी ने जो सब्ज बाग दिखाया था नीतीश कुमार को या फिर भारतीय जनता पार्टी को कि हम उधर से तोड़ करके ले आएंगे, वो कहीं भी उनके रडार से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो यहाँ भी एक समस्या खड़ी हो रही है, किसी भी परिस्थिति में आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के साथ जो भी समझौता हुआ हो, लेकिन अगर उसमें ये समझौता नहीं हुआ है और इस रास्ते पर नहीं चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गेम कर सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा भारी। बाबा एक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के भी जो पुराने और कद्दावर नेता है जो कि अभी तक मंत्री नहीं बनाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये आसार में है कि हम भी इधर से उधर जा सकें? देखिए, समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो गई हैं एक साथ। जी, जहां एक तरफ राज्यसभा की सीटें हैं, जी राज्यसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का सीट किसी को देगी नहीं, बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार अपने हिस्से का नहीं देंगे, यानी तीन सीटें जो इन लोगों के पास है वो तीन सीटों में से किसी को मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद अपने सीटों में से किसी को भी दे करके ऑब्लाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ आंकड़ों की बाजीगरी में भी काम करेगा। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव खत्म होते, अगर लोकसभा का कोई चुनाव नहीं जीत पाता है जिसको उस खेमे से इस खेमे लाएंगे, ये देखिए पूरी की पूरी तरह बता रहे हैं आपको कि जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 45 में से ऐसे एक दर्जन जो विधायक हैं वो मंत्री बनने की लालसा रखते हैं। अच्छा, उनमें से कई लोग चुनाव लड़ने की लालसा रखते हैं लोकसभा का। तो ये सारी संभावनाएं जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के पास थी, अब वो लालू प्रसाद के पास हो गई है। लालू प्रसाद के पास अभी भी 40 सीटें हैं। वो 40 सीटों में से सैक्रिफाइस करने के लिए पूरी तरह तैयार है कांग्रेस कि आपको जैसे बांटना है बांट दीजिए, जैसे भी सरकार बनाना है बना लीजिए, जिसको मुख्यमंत्री, अब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात जब चल रही है तो आप समझ सकते हैं ना कि कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार है। ये सारी बातें जीतन राम मांझी ने अपने मुंह से कहा है और उस बात को कहीं ना कहीं स्थापित किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ये बातें बहुत कुछ कहानी कह रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार का इस बार भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्टेड उधर से जो माल है उसको अपने अपने गोदाम में ले आकर के रखना कहीं ना कहीं बाकी के लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है और भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए, तो देखिए आज का विश्लेषण और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमने किया, बुरा लग सकता है आपको, लेकिन हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, डेटा पर बात करते हैं, नेताओं के बयान और व्यवहार पे बात करते हैं। हम किसी पार्टी के ना तो समर्थक हैं और ना ही उसके चाहने वाले हैं, ना उसके विरोधी हैं। तो खेल समझिए में बाबा ने आपको समझा दिया है कि नीतीश कुमार जो कभी इंडिया गठबंधन के सिरमौर बनने का कोशिश कर रहे थे, हालांकि वहां भी वो रिजेक्टेड ही थे, और यहां पर आए हैं तब भी जो एनडीए के घटक दल है उनमें असहजता की स्थिति दिख रही है। आने वाले समय में जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं, मिलकर वापस आते हैं, क्या कुछ फैसला होता है, तमाम अपडेट्स के साथ हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।